नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स न्यूज 24 चैनल के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के 24th मैच, जो कि कलकत्ता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जाएगा शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पिच रिपोर्ट की, टीम न्यूज और प्लेइंग इलेवन प्रेडिक्शन। सबसे अहम जो है, मैं एक प्लेयर का स्टैट्स बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आईपीएल के हर एक न्यूज से अपडेट आप रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। अबू धाबी की जो पिच है वो पिच काफी स्लो है और सेकेंड इनिंग्स में और भी स्लो होता जाता है। 170-75 रन जो है कंपिटेटिव स्कोर रहने वाला है इस पिच में। कुल इस पिच पे 8 मैच खेले गए हैं आईपीएल 2020 के, जिसमें 5 बार जो है पहली इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम जीता है और सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीता है। तो यह एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो पहली इनिंग्स में एवरेज स्कोर 170 की है और सेकेंड इनिंग्स में एवरेज स्कोर जो है 149 की है। तो यहाँ पर काफ़ी औसतन आप पहली इनिंग्स में टॉस जीतने के बाद बैटिंग करना पसंद करेंगे, आंकड़े तो ऐसे ही बता रहा है। और द्वितीय एक स्टैटिक्स की अगर बात करें तो इसमें इस पिच में कुल जो 8 मैच खेले गए हैं उनमें सेकेंड इनिंग्स में 150 रन नहीं बने हैं 5 बार। बात करते हैं टीम न्यूज़ की। तो आईपीएल 2020 के शुरुआती दौर में कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है स्ट्रगलिंग करते हुए नजर आए थे, मगर राहुल त्रिपाठी के रूप में पिछली मैच में एक शानदार ओपनर मिल चुका है। शुभमन गिल के साथ ओपन करते हुए हम लोगों ने देखा है, मगर शुभमन गिल उस पिच में फेलियर रहे, मगर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार इनिंग्स खेला था। 51 गेंदों पर उन्होंने 81 रन बनाए थे, तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग। मैं तो कहूँगा जो ओपनिंग स्लॉट है वो स्ट्रेवल हो चुका है, मगर दिनेश कार्तिक और एंड्रे रसल अभी तक फॉर्म में नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है मिडिल ऑर्डर को लेके कलकत्ता नाइट राइडर्स के। इयन मॉर्गन फॉर्म में है, मगर उन्होंने भी अभी 5 मैचों में एक भी 50 रन नहीं किए हैं। एक उनका हाइस्ट स्कोर था 44 का, एक मैच में किया था उन्होंने। तो ये जो मिडिल ऑर्डर को लेके एक चिंता का विषय बना हुआ है। बॉलिंग सेक्शन अगर बात करें केकेआर की, तो काफ़ी बैलेंस्ड बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। पैट कमिंग्स है, मावी है, नगरकोटी है, तो ये एक बहुत बैलेंस टीम किंग्स इलेवन पंजाब से भी अच्छी टीम मुझे लग रही है केकेआर अभी दोनों के बीच अगर टैली करें तो। दूसरी तरफ अगर बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब की, वो भी अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। परफेक्ट प्लेइंग इलेवन वो लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो अभी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों तो अच्छे फॉर्म में नज़र आते हैं, मगर मुझे लगता है कि लगातार एक अच्छी फॉर्म में रहने के बाद भी लगातार 6 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में एकदम नीचे बैठे हुए हैं आप। तो क्रिस गेल को आपको टीम में खिलाना चाहिए, मुझे लगता है कि इस मैच में क्रिस गेल को हमको खेलते हुए देखने को मिल सकता है। हेड टू हेड की अगर बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 25 मैच खेले गए हैं, जिसमें 17 बार जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स ने जीता है और 8 बार जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब ने जीता है। तो अगर हेड टू हेड की बात करें तब भी कलकत्ता नाइट राइडर्स किंग्स इलेवन पंजाब के ऊपर भारी दिख रहा है। इस मैच में हमको बहुत अच्छा लगेगा, दोनों जो टीम है उसमें टॉप ऑर्डर बैट्समैन राहुल, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, और जो बॉलर्स हैं पैट कमिंग्स, मावी, नागरकोटी, इन बॉलर्स और बैट्समैन के बीच अच्छी खासी संघर्ष हमको देखने को मिल सकता है इस मैच में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो। प्लेइंग इलेवन की अगर बात करें तो प्लेइंग इलेवन मुझे लगता है कलकत्ता नाइट राइडर्स के सेमी रहने वाला है, कोई चेंजेस हमको नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से मुझे एक चेंज मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए, ये मेरी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि एक चेंज आपको करनी चाहिए,
वो है मैक्सवेल की जगह पे आपको खिलाना चाहिए क्रिस गेल को, क्या कि क्रिस गेल को आप बैठा रहे हैं और आप लगातार मैच हार रहे हैं, तो आपको एक बार तो क्रिस गेल को खिलाना चाहिए। तो केकेआर की प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। तो अगर कुछ चेंजेस अगर आपको बनता है कि यहाँ कलकत्ता नाइट राइडर्स को यहाँ इस जगह पर चेंजेस करने चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किंग्स 11 पंजाब की भी प्लेइंग 11 आपको दिख रहा है, मैंने मैक्सवेल के जगह पर क्रिस गेल को पसंद किया है क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सवेल के जगह आज खेल सकते हैं क्रिस गेल। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। तो स्टैट्स जो बता रहा है कि हेड टू हेड की भी बात करें, मैदान की भी अगर बात करें, तो सारे स्टैट्स जो है मुझे लगता है कि केकेआर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, काफ़ी बैलेंस्ड टीम है अकॉर्डिंग किंग्स 11 पंजाब। तो मुझे लगता है कि आज इस मैच में केकेआर फेवरेट रहने वाला है, केकेआर इस मैच को जीतने वाला है, ये मुझे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है कि आज केकेआर ये मैच जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन ये मैच जीत सकता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, 100 लाइक आज पूरा कर दीजिएगा तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एनालिसिस में लाऊंगा। आप बात करते हैं स्टैट्स की, तो मैं आपको बताया था कि एक प्लेयर का मैं स्टैट्स बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फैंटेसी 11 में टीम बनाने के लिए। तो मैं आज जो प्लेयर के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में स्टैट्स बताऊंगा, वो है लोकेश राहुल की, जो कि किंग्स 11 पंजाब के कप्तान है, काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं। तो दो मैं स्टैट्स बताऊंगा पॉजिटिव, एक मैं बताऊंगा नेगेटिव। तो मैं बता रहा हूँ कि मावी के खिलाफ लोकेश राहुल की स्ट्राइक रेट जो है 266 की स्ट्राइक रेट है। दूसरी तरफ सुनील नारायण के भी खिलाफ पर लोकेश राहुल की अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 235 की स्ट्राइक रेट है। तो ये था पॉजिटिव दिख। नेगेटिव की बात करें तो पैट कमिंग्स के खिलाफ लोकेश राहुल का स्ट्राइक रेट जो है 75 का स्ट्राइक रेट है, और पैट कमिंग्स ने 4 मैचों में 2 बार लोकेश राहुल को आउट भी किया है। तो कैसा लगा आपको ये स्टैट्स ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। आज बस इतना ही, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।